हाँ भाई सब बढ़िया। नहीं मैं नहीं, इसलिए देखो कल तो मैं वैसे भी नहीं आता। मैं आता ही नहीं, कल शाम से ना मेरी तबीयत थोड़ी हिली पड़ी है तो आज एनर्जी थोड़ी कम होगी क्योंकि मैं बिग बॉस वाली करके आ चुका हूँ वीडियो। भाई मैं बताऊँ तुम्हें क्या हुआ, मैं गया ट्विटर पे, मुझे एक वीडियो मिली। अब देखो मेरे को अभिषेक वालों से कोई हमदर्दी तो नहीं है, हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है, पर साले तुम सलमान खान के सामने अभिषेक बच्चन को रेड फ्लैग बोल रहे हो। आई मीन सीरियसली ब्रो, तो मुझे इस टाइम तक ना कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम था कि क्या हुआ है, बट अपेरेंटली ऑनलाइन ये चल रहा है कि अभिषेक बच्चन चीटेड ऑन ऐश्वर्या राय। अब मेरे समझ में नहीं आया, मैं दुखी मनाऊं कि खुशी मनाऊं, दुख ऐश्वर्या राय के लिए और खुशी के अभिषेक को कुछ तो मिल रहा है। अबे साले मतलब किस्मत क्या भाई, ये बीवी मिली ऐश्वर्या राय, मचा रहे हैं शादी के बाहर, और वो भी कौन, अरे निमृत कौर है यार, वो निमृत ही है ना उसका, बात नहीं मेरे को बहुत सही लगी थी, ये 10वीं में थी इसकी बीवी बनी हुई, मुझे क्या मालूम था वो रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ में चल रहा है कि सौतेली बीवी बनी पड़ी है। बताओ तुम यहाँ सिंगल, मैं यहाँ सिंगल, और जो मिंगल है वो मचा रहे हैं। अरे बंटा है, क्यों बिगाड़ रहे हो लोगों को, मचाएंगे और हम और तुम हिलाएंगे उंगलियां। लाइक करो वीडियो को। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। साला अभी थोड़ी देर पहले बोला तबीयत हिली पड़ी एनर्जी नहीं लगेगी, उसकी मचाने की खबर सुन के मैं खुश हो गया यार। वैसे जो ऐश्वर्या के साथ हुआ है उसमें तो जहर भी फेल है, क्या करूं मैं इसका, भाई तो समझो मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय मुझे बहुत पसंद है, छोड़ के मुंह मारने गया भाई बाहर, शर्म भी नहीं आई है, बेहया बच्चलन। मुझे भी सिखा कैसे किया, मुझे सिखा भाई, हमसे नहीं हो रहा कुछ भी। अभी ये कंफर्म न्यूज है कि नहीं ये भी नहीं मालूम मुझे, बट खुशी हुई कि देख रहे हो फ्रेंड जोन करा भी तो किसको किया, ऐश्वर्या राय को, तेरे भाई में भी दम है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये साले निब्बा निब्बी लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में ज्यादा सिंपैथी नहीं दे रहे हो तुम, अभिषेक बच्चन को रेड फ्लैग बोल दिया सलमान के सामने, बताओ अभी गाड़ी चढ़ाएगा ना, सॉरी गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, अभी गोली चलाएगा ना हिरन बन जाओगे भाई साहब। अभी उसके ना रीसेंट में क्लिपिंग आ रही है, पता नहीं कौन PR-VR लगा रखा होगा उसने, क्लिपिंग आ रही है जहाँ पे उसके फादर साहब आगे बोलते हैं कि उसने गोली नहीं चलाई, वो कहता है आपकी अदालत की क्लिप थी कि जहाँ पे उसने कहा कि जो ब्लैक बक था वो ओवर ईटिंग की वजह से मर गया, वो वहाँ पे उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है वो TV पे जाके इंटरव्यू दे रही है कि सलमान को एक्चुअली मालूम ही नहीं था कि बिश्नोई कम्युनिटी में काले हिरण की पूजा होती है, हम दोनों तो शिकार करते थे, मैं कहा करते थे ना, उसने अब छोड़ दिया, तू उसका शिकार क्यों कर रही है, वो बंदा स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बदल रहा है, तू कंफर्म कर रही है कि नहीं नहीं उसे मालूम नहीं था वरना मारता थोड़ी वो। अबे औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है, और यहाँ पे चीटिंग हो रही है ठीक है, हमें बंदी नहीं मिल रही, लोग चीट पे चीट के जा रहे हैं, मतलब बॉडी बिल्डर का चीट डे निकल गया, अरे अभी वापस आ गए यार फ्लाइंग भैया, अरे गौरव भैया बंद कर दो यार, वो टॉपिक उतरने निकल गया, चलो आपकी मर्जी नहीं थी निकल गया कि रितु भाभी की फोटो आ गई, रितु भाई की भाभी की आवाज़ आ गई, सत्संग से क्लिपिंग आ गई, बाबा को फेमस कर लिया, जो भी रीज़न था एंड नंबर ऑफ रीज़न, आप बोलते इंटेंशनल नहीं था तो क्यों आई, क्यों आई, और सिर्फ उतनी ही क्लिपिंग क्यों आई, उसके आगे की नहीं आई, उसके पीछे की नहीं, सिर्फ उतनी ही कैसे आई, नहीं ये बाकी कुछ एजेंसी थी जो हमारे खिलाफ थी, हाँ हाँ मेरा MMS लीक हो जाएगा, मैं भी बोलूँगा थर्ड पार्टी ने लीक किया है, अरे नहीं लीक होगा यार, MMS के हिलाने का MMS थोड़ी बनाओगे तुम, अरे तो वो आए वो बोलने लगे, अरे वो सब ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, मैं कहा हाँ मैं कमौले का, आप पार्वती सॉरी प्रेरणा, हम लिखा करेंगे साजिश करेंगे आपके साथ, यही काम तो रह गया मेरा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका डिवोर्स हो रहा या नहीं हो रहा, वो आपका पर्सनल मैटर है, पॉइंट खत्म, बात खत्म, वो पर्सनल रखो ना फिर, क्यों देनी एक्सप्लेनेशन किसी को भी। अभी कुछ दिन पहले मतलब कल या परसों पोस्ट किया, वहां पर लोगों को जवाबदारी दे, अरे मैंने शादी कराई है, मैंने कन्यादान करा था, जो मेरे को जवाब दे रहे हो आप, मत दो ना, उसमें जवाब देके कह रहे वो आखिरी वाली लेना, तुम जैसे लोगों मेरे जैसे लोगों को छोड़ दो, मैं बंदी नहीं ढूंढ पा रहा, आप मेरे को जवाब दे रहे हो, बात तो सही है। मतलब समेंथा के साथ चीट हो गया, बताओ कुछ तो हुआ होगा ना नाग चैतन्य समेंथा, और उसे छोड़ के गया भी किसके पास, कौन है ये शोभिता, मतलब तुम ऐश्वर्या राय पे दुखी हो, मैं अभी तक समेंथा पे गुस्सा हूँ, ऐसा कैसे कर दिया तूने, और काटा समेंथा का वो अलग बात है, इतना गंदा काटा कि उसका प्यार से भरोसा उठ गया, अक्षय कुमार गोद में घुमा रहा उसको, बच्चा मान जा तेरा कट गया,
कोई सेंसेस बात कर, कोई सेंस नहीं, मैं बस बोले जा रहा हूँ। मेरे को दिखा अभी नाग चैतन्य का कोई आर्टिकल, मैं कहा समंता के साथ भी बुरा हुआ था। कुछ भी हाँ, चीट चीट बहुत हो गया, बंदी कोई दे नहीं रहा था, चीट के ज्यादा तो ऐश्वर्या राय छोड़ दिया बंदे ने, ऐश्वर्या को ज्यादा दुख है या मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, धोखेबाजी से याद है फुकरा इंसान तो मैं याद है, वो गया था बिग बॉस ऑलरेडी में, अभी उसने एक्सपोज कर दिया बिग बॉस को। अरे कुछ नहीं, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं, वो खाली हो गया है पूरा। मुझे ऐसा लगता है कि गुलरतन भाई जो है वो पैसे लेके आए होंगे बिग बॉस में, ऐसा आई फील। देखो कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने पैसे दिए होंगे और इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा कि दो हफ्ते या एक हफ्ते मैं रहूंगा, और जैसे 7-8 दिन हुए इट विल बी लाइक चलो भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितनी तुम्हें फेम चाहिए था मिल गया, तुमने जितने पैसे दिए थे मिल गया, अब 12 जाओ, अगर तुम्हारा अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है वापसी पैसे तो वापसी अंदर जाओ। बिग बॉस भी तो पैसा कमाएगा ना, बिग बॉस को भी तो पेट पाल रहा है। मैं बिग बॉस की न्यूज देता हूँ अपने सेकंड चैनल पे ना, लोग कहते भाई ए, तुझे बिग बॉस जाना चाहिए, मैं तो पागल है गया, ऐसा नहीं मैं जाना नहीं चाहता यार, मेरे को बुलाएंगे यार। अरे पॉइंट है, वो मेरे को बुलाएंगे ही क्यों, यहाँ पे यूट्यूब मुझे सौतेला समझता है, तुम्हें लगता मैं उनका पालतू बनूंगा, सगा बनूंगा बिग बॉस। अभी देखो फुकरा इंसान गया शो में, अभी खुद ही एक्सपोज करेगी, देखो गुणरतन पैसा दे के गया था, बबीता डायन पैसा दे के गई थी, अब बबीता डायन से याद आया, बेबे का ध्रुवे की बात कर रहा हूँ, बबीता डैन की क्लिपिंग देखी मैंने जहाँ पे उसने एल्विश को ट्रोल कर दिया। ट्रोल में क्या किया कि देखो मेरी बुराई तो बहुत करते हैं बट मैंने शो में प्रिडिक्ट किया था कि वो वॉयलेंट है, उसका जेल जाएगा। मैं कहा कब किया था तू तो सक्सेस कर रही थी, सक्सेस तो मिल नहीं थी उसको, जेल वाली बात कब बोली, किसी को याद है क्या है तो बताओ मेरे को। या बबीता डैन जितना कॉन्फिडेंस चल रही है, लेजिट बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए ना जहाँ पे तुम्हारी गलती तुम्हारे फ्लॉस तुम्हारी खामी किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये देखिए तेरे अंदर खामी है, कहाँ मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अबे नहीं, इसका शो आ रहा था डिस्कवरी पे जो मैंने देखा भी नहीं। उस शो से पहले बोला कि देखो मेरे वजह से बिग बॉस ओटीटी चला, वरना बाकी जो भी शो किया जिन्होंने भी किया वो सब फ्लॉप ही थे। मैं कहा तूने अब पहला शो किया वो भी फ्लॉप है, तू पूजा भट्ट की मूवी मारी थी ना उसके रिश्ते में बन के, वो मूवी का क्या हुआ, साला एक सोशल एक्टिविस्ट तेरी बजा के जा रहा है इंटरनेट पे। अच्छी भाई गजब बेइज्जती है। हाँ, इसके अलावा फालतू क्या है, एलन मस्क फालतू नहीं है यार, उसने कहीं पर स्पीच दे दिया ट्रंप के सपोर्ट में, और वहाँ पर उसने बोल दिया कि कॉलेज जो है काफ़ी ओवररेटेड है, वहाँ पर कुछ है नहीं, तुम फालतू में लोन वो ले रहे हो, तो मालूम है फॉरेन में कॉन्सेप्ट है ना, लोन लेके कॉलेज करो फिर पे करते रहो अपना। तो उसने कहा वो सब ओवररेटेड है, अगर तुम स्किल हो, तुम ये अपने इलेक्ट्रीशियन वाले हो, मैकेनिक टाइप का काम करते हो, तो भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा वैल्यू सोसाइटी में। और इस पर लोग ऑफेंड हो गए, अरे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं कहा मुंह से रावण थोड़ी है, और ये फैक्ट है कॉलेज ओवररेटेड है। मैं तो स्कूल को भी बोलता हूँ, स्कूल में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे प्रोफेशन में यूज होता है, घंटा मेरा, अगर तुम इंजीनियर बन रहे हो तो उसमें भी जो पढ़ाते हैं और जो करते हैं बस कोडिंग का ही यूज़ हो रहा है ना, बाकी कहाँ जगह यूज़ हो रहा है, बाकी जो रट्टा मारते हैं वो टीचर बनते हैं फिर वो रट्टा मरवा रहे होते हैं। भाई 12 साल तुम्हें सिर्फ फैक्ट्री वर्कर बनाना सिखा रहे हो स्कूल में, फिर 4 साल कॉर्पोरेट का, मेरे को भी सेंस नहीं बनता कॉलेज का, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करी है, क्या यूज़ करता हूँ मैं उसका है? तुमने अगर डिग्री कोर्स करा तो क्या काम है उसका, जिस इंडस्ट्री में उसमें बताओ कि तुम्हारी उस इंडस्ट्री में जो तुमने पढ़ा उसका कितना यूज़ होता है वो मेरे को जानना है, और जितना तुमने फीस भरा है कॉलेज में उसका कितना कमाया तुमने अब तक। अब ये मत आना कि 50 साल का बंदा उठ गया, भाई मैंने ज़्यादा कमा लिया, उससे ज़्यादा तो मैंने यूट्यूब से ही कमा लिया होगा। कुछ भाई हमारे ऐसे होता है, मेरा दिमाग खेल रहा हुआ पूरा आज, अबे तो नहीं नाक बह रही है, बॉडी दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, मैं लेटने वाला हूँ आज नहीं तो कल मेरी तबीयत अच्छी खासी खराब हो जाएगी। हाँ मैं मिलता हूँ कल, ये सब।